बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की रिव्यूज को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए, उसके अंदर हमने बेसिकली एमसीक्यूज पोर्शन को कम्प्लीटली कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चों ने जो एमसीक्यूज पोर्शन को मिस किया, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो वीडियो को देख सकते हैं। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहते हैं, वो भी हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें लाजमी आगा के करें। तो स्टार्ट करते हैं आते क्वेश्चन की तरफ। तो हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू से स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड बना ली थी। तो अब चैप्टर नंबर 4 के हम रिव्यूज को डील करने जा रहे हैं। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं तरतीब वाइज। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें, तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 8 एंड इज -1 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल 4 पार्ट हैं। जनरल टर्म लिखनी है, प्रोग्रेशन लिखनी है, टेन टर्म लिखनी है, द एक्सप्रेशन फॉर सम टू एन टर्म एंड हैंड द सम इज 10। ठीक है, अब इन सब पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। तो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या मेंशन है, ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 8 एंड -1। मीन फर्स्ट टर्म मीन a1 हमें पता है जो कि कितना है 8, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको बेसिकली हम d से लिखते हैं, वो हमारे पास कितने हैं -1। तो बेसिकली चीज गिवन डेटा के अंदर लिखी थी कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 8, एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है -1 रिस्पेक्टिवली। यहां तक आपको समझ आ गई है। देन फाइंड जनरल टर्म। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म को फाइंड करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें फाइंड करनी है जनरल टर्म्स को। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन -1 डी। अभी किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसको हम फॉर्मूले को यूज करें। ठीक है, अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करें, तो मैंने जनरल टर्म जनरल इक्वेशन बनानी है, ए एन हैज चीज आ जाएगा, ए वन की वैल्यू में पता है 8 है, प्लस एन -1 डी कितना हमारे पास -1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n+1 विच विल बिकम 9 -n। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। ठीक है, इसको बोला जाएगा ये जनरल टर्म आ गई। अब हमें जनरल टर्म को रिलेट कर लिया, उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ कि हमने फाइंड ये करना है प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है दी प्रोग्रेशन, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। अब उसको फाइंड कर लेते हैं। अब उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, तो बेसिकली बात की तो हमारे पास जनरल टर्म गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या था कि ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन सॉरी एन माइनस एन ठीक है 9 -n आ गया था। अब मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं इनकी जगह पुट कर लूंगा 1, जिसकी रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा 8। वैन मैंने पुट किया एन इज इक्वल टू 1, फिर मैं 2 पुट कर लूंगा। अब इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू को पुट करूँ। जब मैं 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 9 -2 विच विल बिकम इक्वल टू 7। तो एन इज इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ पे, फिर 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 -3 इज इक्वल टू 6, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो मेरे पास क्या सीरीज बन रही है, पहली जो टर्म आ रही है वो 8 आ रही है, फिर डिफरेंस 1 का था तो 7, फिर 6। ठीक है, फिर यूँ कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ 5.11। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली प्रोग्रेशन आ गई है। तो बेसिकली इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। अगर थर्ड पार्ट से देखें तो हमें 10 टर्म फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में अगर देखिए बात की जाए तो 10th टर्म। तो अब 10 टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिकली सेम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन -1 डी। तो हमें सब वैल्यू पता है, तो अब हमें 10 टर्म फाइंड करनी है। तो इनकी जगह कितना आ जाएगा 10, फिर ए वन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास कितनी थी 8, प्लस एन कितना था 10, -1 डी कितना था -1। जब इसको फर्दर करेंगे तो 8 10 -1 9, तो ये आ जाएगा -9 विच विल बिकम इक्वल टू -1। तो जो 10 टर्म हमारे पास आ रही है सीरीज की, हमारे पास क्या आ रही है -1। तो चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात की, उसके अंदर क्या फाइंड करनी है, हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर अ सम, ठीक है, हमने फाइंड करनी है सम ऑफ 10 टर्म। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, यानी जो हमारे पास सीरीज आ रही है इनकी 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए वन प्लस एन -1 डी।
अब ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अगर हम बात करें हमारे पास n कितना है, 10/2, फिर a1 की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 8 आ रही थी, प्लस n कितना था 10, माइनस 1, b कितना था मेरे पास माइनस 1, ये आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5, a2 था 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस 9, ठीक है। तो 16 में से 9 निकालें तो हमारे पास कितना बचता है, तो 7 बच जाएगा, तो 7 × 5 = 35, ठीक है, जिसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, एस ऑफ 10 इज इक्वल टू एन कितना 10, तो 10 सीरीज का जो सम हमारे पास आ रहा है वो 35 था, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने डिटेल में सॉल्व किया। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उसके अंदर लिखा हुआ कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज इज 54, 51, 48 इज 513, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से फोर्स करें तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ आ रही है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, हमें सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज पता है कितना है, जो कि 513, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सीरीज गिवन है, कितनी सीरीज है, 54, 51, 48, और ये कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसके अंदर हमने n इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको देख लेते हैं। तो हम अगर हम बात करें सम ऑफ सीरीज है, तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला होता है कि s ऑफ n इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n डिवाइडेड बाय 2, 2a1 प्लस n माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो हमारे सीरीज में हमें a1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो a1 की वैल्यू कितनी है सीरीज में, 54, एंड कॉमन डिफरेंस में पता होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 51 माइनस 54 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू के अंदर पुट कर लेते हैं। तो अब मेरा फॉर्मूला था एस ऑफ एन, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, एन डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। जिस चीज की वैल्यू हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एस ऑफ एन की कितनी वैल्यू थी, 513, एन की मैं वैल्यू नहीं पता तो इसको ऐसे दिख लेंगे, 2a1 की कितनी वैल्यू थी 54 प्लस एन माइनस 1 डी की कितनी वैल्यू थी -3, ठीक है, ये आ जाएगा। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 513 मल्टीप्लाई बाई 2 एन 108 -3n +3, ये आ जाएगा। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है, फिर 108 n, ठीक है, -3n का स्केयर, फिर +3n, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, 3n का स्केयर -111n एंड +1026, ठीक है, अभी आ गई है। अब इस पर हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेंगे। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने के बाद में देख लेते हैं इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, तो ये इक्वल टू 0 था, देखते हैं इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो हमें बच जाएगा एन का स्केयर, ठीक है, 37 आ जाएगा, 37n। अब इसमें 3 कॉमन लेते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 9, फिर 1 कैरी चला जाएगा, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 2 = 6, ये मेरे पास आ जाएगा। 3 को जाकर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर -37n +342, ठीक है। अब इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना, क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करके देखूंगा मेरे पास क्या आंसर आता है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना, तो इंशाल्लाह आपको वापस बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास इसके 2 आंसर आ जाएंगे, एक मेरे पास एन आ रहे हैं बेसिकली 18 और एक आ रहे हैं 19, तो मेरे पास एन की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एन इज इक्वल टू 19, एन इज इक्वल टू 18। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट करना था एन, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पर फोकस किया, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n प्लस 3n का स्केयर, जनरेट द प्रोग्रेशन एंड फाइंड n टर्म। तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करनी है कि n टर्म को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सम ऑफ द n टर्म ऑफ द, मतलब कि सम ऑफ n टर्म जो हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 2n का स्केयर प्लस 3n का स्केयर, ये आ गया। अब ये सम ऑफ हमारे पास n टर्म गिवन है, नॉट अ सीरीज, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे फर्दर, तो अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करूंगा तो यहां पे 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू a1 हम फाइंड कर रहे हैं। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 2 × 1 + 3^1 का स्केयर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 = 5। अब जब सम ऑफ सेकंड सीरीज को फाइंड की बात करूंगा तो उसमें a1 भी आ जाता है और a2 की भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम जहां जहां है ना वहां पे क्या पुट कर लेंगे, अप टू
तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 4, 4 6 12 और ये आ जाएगा 16, यानी एस ऑफ 2 मेरे पास 16 आ रहा है, मीन ए वन प्लस ए टू मेरे पास आ गया 16। तो अगर मैं फर्दर करूँ तो ए वन प्लस ए टू मेरे पास बन रहा था 16, तो मुझे तो ए टू की वैल्यू चाहिए, ए वन की वैल्यू मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो ए टू इज इक्वल टू 16 माइनस 5 विच विल बिकम इक्वल टू 11। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास ए वन भी हमारे पास पता चल गया कितना है 5, और अगर दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 11 माइनस 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया और ए वन भी पता चल गया। ठीक है, अब फर्दर हमने फाइंड करना था जनरेट द प्रोग्रेशन, हमने इसकी प्रोग्रेशन की सीरीज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज फाइंड करनी थी, तो हम फाइंड कर लेंगे। अब मेरे पास फॉर्मूला था कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब मुझे ए वन पता है, ए टू पता है, अब मैंने ए थ्री कैलकुलेट करना है, तो जहां जहां एन है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 1, ए वन कितना था 5, 3 माइनस 1, डी कितना था मेरे पास 6, जब मैं पुट करूंगा तो आ जाएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 11, 11 प्लस 5 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 फाइंड करूंगा तो 16 में मैं 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। तो मेरे पास सीरीज क्या बन रही है, मेरे पास बन रही है बेसिकली सीरीज, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक से, तो मेरे पास पहले सीरीज आ रही थी 5, फिर 11, फिर 16, फिर 21, फिर आ जाएगी 26, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये बेसिकली मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ड्रॉ कर लिया, उसकी सीरीज को लिख लिया। उसके बाद हमने फाइंड कर दी फाइंड एन टर्म, हमने फाइंड ये करना है, ठीक है, एन टर्म टू फाइंड एन टर्म। अब जेन में क्वेश्चन आता है कि हम एन टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल इजी स्टेप है, क्या करेंगे, अब मैंने एन टर्म फाइंड करनी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो रहा था, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ऐसा पुट कर लेंगे तो ये है ऐसे आ जाएगा ए एंथ, ए वन मेरे पास कितना था 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना था मेरे पास, डी अगर की बात करें तो डी के मेरे पास कितना आ रहा था 6, डिफरेंस कितने का आ रहा था 6 का। ठीक है, जिसको हम फर्दर करेंगे तो 5 प्लस 6 एन माइनस 6 विच विल बिकम इक्वल टू 6 एन माइनस 1, तो एन टर्म के जो हमारे पास बन रहा है जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बन रही है 6 एन माइनस 1। ठीक है, बेसिकली हमें मिस्टेक है, अगर हम 6 टू द 12 12 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 17, ये 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 21 और 23 आ जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली 29 आ जाएगा, तो ये मिस्टेक थी, आप लोग ने दुरुस्त कर लेनी है क्योंकि ये प्लस माइनस की मिस्टेक आ गई है। ठीक है, तो इसको आपने सही कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको समझा दी है इंशाल्लाह, आप आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, उसके अंदर लिखा हो कि फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000, यानी हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है ऑल नेचुरल नंबर 250 से लेके 1000 तक, कितने नेचुरल नंबर बन रहे हैं। तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितनी भी काउंटिंग होती है सारी की सारी नेचुरल नंबर में आती है। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन डाली है विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेबल 3, मीनिंग हमने उन नेचुरल नंबर को पिक करना है जो 3 से डिवाइजेबल हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तरतीबा से चलते हैं, हमने फाइंड करें सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000, तो मेरे पास नंबर क्या है 250 और लास्ट में कितना है 1000, इनके दरमियान हमने बेसिकली नेचुरल नंबर पिक करने हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे 251 252 253 अप टू सो ऑन 999 एंड 1000, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब इनको मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूं, अब हमें क्या था कि विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3, 250 डिवाइड बाई 3, क्या ये डिवाइड होता है, तो इसको लिख लेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको हमने खाली यूज करना है। ठीक है, बाकी को हमें इग्नोर कर, ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, जब इसको डिवाइड करूंगा तो 3 1 3 जो है वो 8 24, और ये भी मतलब कट नहीं रहा, फिर 252 को डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 3 3 8 24, ठीक है 1 कैरी चलेगा और 3 4 12, तो बेसिकली 252 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब 3 हमें पता चल गया कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 252 डिवाइड हो रहा है, तो फिर 3 का हम डिफरेंस लेके चेक करेंगे, बेसिकली आ जाएगा 252 के बाद 255 भी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे 258 भी डिवाइड हो रहा होगा, अगर देखा जाए 3 कितना हो जाएगा 3 8 24 एंड 3 6 18। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, तो आप यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली 3 1 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 1000 डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास कुछ सीरीज इस तरह की जनरेट हो रही है, मीन हमने बीच में जो नंबर लेनी है उनमें 3 दिन का डिफरेंस होके वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास सीरीज क्या बन रही है, अब मेरे पास जो सीरीज बन रही है वो बन रही है 252 255 258 अप टू सॉन
999, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझानी थी, तो आई होप सो कि समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप से हमें रब्ता भी कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे A1 आ रहा है मेरे पास 252, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं डी देखूँ, कॉमन डिफरेंस कितने गैस के दरमियान, तो तीन तीन का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे पास डिफरेंस आ गया तीन का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था। अब सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है, तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, S of n = (n/2) (2a1+n-1d). ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें, अगर इस फॉर्मूले की बात करें, अब इस फॉर्मूले में हमारे पास S n n b, हमारे पास अननोन है, n b अननोन है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड ही करते हैं क्योंकि हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस एन हमारे पास फाइंड होता है कि नहीं। अब एन फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा कि मुझे पता है कि एस ए ऑफ एन कितना है, ठीक है। ए एन एफ लास्ट टर्म को कहते हैं, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री एंड ए ऑफ एन। ए एन मुझे पता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1+n-1d, ठीक है। तो एन फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर बन रहे होंगे, ये 252 से लेकर 999 तक कितने नंबर बन रहे हैं। तो मेरे पास एन कितना था, 999, A1 मेरे पास आ रहा था 252, ठीक है, प्लस एन मैंने फाइंड करना है -1, डी कितना था डिफरेंस तीन का, ठीक है। तो ये देगा 999 - 251 / 3 = (n-1). अब जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेता हूँ कैलकुलेटर पूरी वैल्यू को सॉल्व करके, जब पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेसिकली, तो मेरे पास तो 249 मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। मीन हमारे पास एन कितना आ रहा है, 249, ठीक है। अब मुझे एन पता चल गया तो इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा S of n = (n^249)/2, फिर 2a1 की वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब a1 की वैल्यू कितनी थी, 252, प्लस एन कितना मेरे पास 249 - 1, एंड डी कितना हमारे पास 3, ठीक है। अब सब कैलकुलेशन करके हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा। तो सारी वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पे पुट करूँ क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। S of n 249/2, यहाँ पर जाएगा 252, ठीक है, प्लस 999 ये आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो उसको जब फर्दर कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देख लेते हैं। अब इन सब वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पुट करके देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। जब सब वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 155.749, देख लेते हैं 5, ठीक है। अब मेरे पास एस ऑफ एन आया था, एन कितना था मेरे पास 249। जब इन सब सीरीज का हमने सम फाइंड किया जो कि बेसिकली नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते थे 250 और 1000 के दरमियान, तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली नेचुरल नंबर था डिवाइजेबल बाय 3 करके कर लिया है। अब आपने मुझे बताना है कि इवन नंबर जो है वो कितने बनने के दरमियान, उसके लिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट चेंज कर लिया, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आपने इवन नंबर लेने हैं, ठीक है, और डिवाइजेबल वाले पोर्शन को आपने स्किप करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को डिटेल में देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पूरी रिव्यू से खत्म कर सकें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एंड कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और ये व्हाट्सएप का नंबर है, ये फेसबुक का आपको पेज शोर होगा स्पाइनेट के नाम से, और ये हमारा यूट्यूब का चैनल का लिंक है, तो यहाँ से हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, तब तक अल्लाह ने के बाद।